यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त को अन्न उत्सव का वर्चुअल शुभारंभ किया, जिसके तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना महोत्सव के तहत पूरे प्रदेश में गरीबों को अन्न का वितरण किया गया। कार्यक्रम में अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जुड़े रहे। वहीं जनपद में भटहट विकास खंड के हैदरगंज में राशन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एडीजी अखिल कुमार, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, एसडीएम सदर कुलदीप मीणा, जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी और कार्ड धारक मौजूद रहे। कार्यक्रम में अयोध्या से वर्चुअल जुड़े मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम अन्न योजना के साथ जुड़ रहे हैं, ये देश नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। पिछले साल अगस्त से नवंबर के बीच यह कार्यक्रम हुआ था, इस साल भी मई से कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके साथ अन्न के लिए एक वाटरप्रूफ बैग भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि आज के इस अवसर पर जब इतनी वृहद योजना उत्तर प्रदेश से शुरू हो रही है, ठीक इसी समय पिछले साल भी प्रधानमंत्री मोदी का सानिध्य अयोध्या में प्राप्त हुआ था। अयोध्या को नई अयोध्या के रूप में विकसित करने के लिए 5000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं को सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। देश के अंदर हर तबके को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी लाभार्थियों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना का लाभ उठा रहे लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद किया और कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी एक कर्मयोगी भी हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए कार्यों से जनता को पूरा लाभ मिल रहा है। इस मौके पर एडीजी, डीएम, सीडीओ सहित अन्य अधिकारियों ने योजना के पात्र लोगों को राशन का वितरण किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, 6,67,00,000 से अधिक लोगों का कोविड टेस्ट करके टीकाकरण, लोगों को टीका केवल का सबसे बड़ा कवच है और अब तक उत्तर प्रदेश में यह टीका सुरक्षित वश से, जैसे एक अन्न योजना की प्रधानमंत्री कल्याण योजना के माध्यम से प्राप्त होने वाली इस अन्न योजना के साथ जुड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री अन्न गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से यह 20 के बीच में भी संपन्न हुआ था और इस वर्ष जून और जुलाई का खाद्यान्न अब तक करोड़ लोग इससे सीधे सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। आज के अवसर पर जब यह अन्न वितरण की इतनी बृहद योजना प्रदेश के अंदर संपन्न हो रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन अयोध्या की धरती से ही प्राप्त हुआ था सही है और आप मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अयोध्या में निर्माण कार्यों और एक नई अयोध्या बनाने की अपने 54 परियोजनाओं में जिनमें 3,136 करोड़ रुपए की लागत से इन परियोजनाओं में कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और अयोध्या को एक नई अयोध्या के रूप में विकसित करने के लिए 8,568 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं को वर्तमान में डीपीआर और आदि की बनने की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ा करके एक वर्ष पूर्व की इस बृहद कार्यक्रम के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम अयोध्या धाम से आपने प्रारंभ किया था, वह अयोध्या एक नई अयोध्या के रूप में वैश्विक जगत में देखने को प्राप्त होगी। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत पैकेज के माध्यम से देश को जो एक नई दिशा देने का कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, मैं आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस बृहद कार्यक्रम में एक बार फिर से प्रदेश के उन सभी लाभार्थियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज के इस आयोजन में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद, जय श्री राम। अच्छा बताने की आपको हर महीने राशन मिल रहा है या नहीं? हाँ हाँ मंत्री जी, हर महीने राशन मिल रहा है। हाँ। परिवार को जितना चाहिए उतना मिलता है कि कम मिलता है? मंत्री जी 35 राशन मिल रहा है और इससे परिवार चल रहा है, उनके देने हैं मंत्री जी। तो बच्चों को खाना अच्छा लगता है, बच्चों को प्यार से खिलाते हो? हाँ सर जी। अच्छा बता दीजिए आपका घर कैसा है, कच्चा है कि पक्का? मंत्री जी तुम तो कृपा है कि
सरकार का पूरा लाभ मिल रहा है। आपने बताया कि आपको घर, गैस, बिजली, शौचालय सब सुविधा मिली है। कोशिश यही है कि हर गरीब परिवार को ये सारी सुविधाएं पहुंचे और जो देश के लिए भी, सभी नागरिक के लिए भी सुलभ हो। आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को हर अधिकार, हर सुविधा का पूरा भागीदार बनाया गया था। यही 5 अगस्त है जब पिछले साल कोटि कोटि भारतीयों ने सैकड़ों साल बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण की तरफ तेजी से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और आज 5 अगस्त की तारीख फिर एक बार हम सभी के लिए उत्साह और उमंग लेकर आई। आज ही ओलंपिक के मैदान पर देश के युवाओं ने हॉकी के अपने गौरव को फिर से स्थापित करने की तरफ बड़ी छलांग लगाई। करीब 4 दशक के बाद ये स्वर्णिम पल आई है जो हॉकी हमारी राष्ट्रीय पहचान रही है। आज हमारे युवाओं ने उस गौरव को पुनः हासिल करने की तरफ बहुत बड़ा देश को तोहफा दिया। और ये भी संयोग है कि आज ही यूपी के 15 करोड़ लोगों के लिए इतना पुण्य आयोजन हो रहा है। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को अनाज तो करीब करीब 1 साल से ज्यादा समय से मुफ्त में मिल रहा है, लेकिन मुझे उसमें शरीक होकर इस पुण्य कार्यक्रम में आकर के आप सबके दर्शन करने का आज मुझे अवसर मिला है। खुश रहे आपका परिवार। इन झूलों से आप आराम से इन झूलों में खाद्यान्न आकर ले जा सकते हैं। आपका खाद्यान्न भी नहीं करेगा और आप अनुमान है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नैना के पति है राम की ग्रामवासियों को सम्मानित हमारे साथियों को सभी को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आज इस कार्यक्रम में ये उपलब्धि हासिल हुई है। मैं आप सबको ये अनुरोध करूँगा कि ये आपका हक है, हर महीने इसमें पारदर्शितापूर्वक आधार ऑथेंटिकेशन के साथ आपके राशन वितरण निश्चित किया जाएगा। अगर कोई भी समस्या आती है तो प्रशासन तत्पर है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हम सुनिश्चित करेंगे कि ये लाभ आपको मिले। और कल सभी विभागों के यहाँ पे अधिकारीगण, ब्लॉक के अधिकारीगण यहाँ गांव में भ्रमण करेंगे। जो लाभार्थी अभी तक संसद नहीं हुए हैं उनको आच्छादित करा के सुनिश्चित करेंगे उनको लाभ मिले। अगर कोई भी गांव में जमीन संबंधित विवाद हो, पुलिस संबंधित विवाद हो या विकास संबंधित योजनाओं में आकलन में कमी हो, उसके लिए भ्रमण करके सुनिश्चित करेंगे कि ये गाँव आदर्श गाँव के रूप में विकसित हो। मैं अनुरोध करूँगा हमारे ग्राम प्रधान जी और सभी ग्राम पंचायत के कर्मचारीगण को कि उसमें सहयोग करें और अभी कोई भी कमी रह जाती है तो
तो सर से या हमारे कार्यालय से आपको संपर्क करके हमें बताएं, हम उसमें हमारा सौभाग्य रहेगा कि आपको सेवित करें। धन्यवाद धन्यवाद शुभकामनाएं जय हिंद। अभी आज जनपद में शासन के निर्देश अनुसार हर एक कोटे की दुकान पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है और उत्सव की तरह ये मनाया जा रहा है। कोशिश यही है कि सभी लोगों को पारदर्शिता पूर्वक ये व्यवस्था ये लाभ मिल सके और इस कोविड महामारी के दौरान उनको ये उपलब्धि हासिल हो सके।